आईसीयू के गेट पर ताला था। चाबी नहीं मिलने से ताला नहीं खोला जा सका। एम्बुलेंस में महिला दर्द से तड़पती रही। और फिर ये तस्वीरें एमपी के उज्जैन की है, जहां माधव नगर अस्पताल से आरडी गार्गी मेडिकल कॉलेज भेजी गई महिला दर्द से एम्बुलेंस में तड़पती रही। दानीगेट की रहने वाली 55 साल की महिला, जिसे सांस लेने में तकलीफ थी और उसका ब्लड प्रेशर भी बढ़ा हुआ था। महिला को उसके परिवार के लोगों ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया था, लेकिन सांस लेने में तकलीफ के चलते उसे यहां से देर रात माधव नगर अस्पताल शिफ्ट किया गया, जहां पर उसका सैंपल लेकर इलाज शुरू किया गया। कोरोना के इन्फेक्शन का संदेह होने पर महिला को आरडी गार्गी मेडिकल कॉलेज भेजा गया, लेकिन यहां पर आईसीयू के गेट पर ताला लगा हुआ था। आईसीयू की चाबी नहीं मिल रही थी और गेट खोलने वाला कर्मचारी भी गायब था। मदद की गुहार लगा रहे परिवार ने बड़ी मशक्कत के साथ ताला तोड़ा और मेडिकल स्टाफ की मदद से महिला को आईसीयू तक ले जाया गया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। ड्यूटी डॉक्टर ने चेकअप करने के बाद महिला को मृत घोषित कर दिया और उनका कहना था कि महिला की एम्बुलेंस में ही मौत हो चुकी थी। आखिरकार ये लापरवाही नहीं थी तो क्या था? अगर शायद महिला को टाइम पर इलाज मिल जाता तो उसको बचाया जा सकता था। ये नजारा देखकर हम तो यही कहेंगे कि इस हालात में जब देश में लगातार कोरोना वायरस के मामले बढ़ते जा रहे हैं और अगर ऐसे में हॉस्पिटल इतना एक्टिव है, तो आम दिनों में आप अंदाजा लगा सकते हैं। हालांकि लापरवाही को देखते हुए समय पर वेंटिलेटर उपलब्ध न कराए जाने पर कार्रवाई हुई है और सिविल सर्जन RP परमार और माधव नगर अस्पताल के प्रभारी को हटा दिया गया है। न्यूज डेस्क।